नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई लेबर लॉ के बारे में। जी हाँ भाई, जान लेना जरूरी है कि दुबई में इंडिया के 3 मिलियन से ऊपर ज़्यादा लोग रहते हैं, 30 लाख से प्लस अगर माने तो, और बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। बीमारी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है और उनको नहीं पता होता कि बीमार होने पे क्या किया जाए, कंपनी का और आपका तालमेल कहाँ होता है, दुबई का लेबर लॉ आपसे संबंधित क्या बोलता है, आपको कितने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, कब तक आप छुट्टी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा होने पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सैलरी कितनी मिलेगी, आप बीमार हो जाते हैं उस दौरान। तो भाई डिटेल से वीडियो पूरा देखिए, जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दुबई का जो लेबर लॉ 1980 उसमें एक्ट है 182, जी हाँ, उसमें छुट्टियों का प्रावधान किया गया है। भाई दुबई में जो भी विदेशों के लोग काम करते हैं उनको छुट्टी किस आधार पे मिलनी चाहिए, जी हाँ देखिए मैं बता दूं, 3 मंथ तो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, आपको पता है 3 महीने तक आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको छोड़ के उसका छुट्टी मान्यता नहीं होती है, उसमें अगर आप बीमार हो जाते हैं तो 1 साल में आप 90 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। जी हाँ, बीमार होने की कंडीशन में 3 मंथ तक, जी हाँ। अब बीमारी का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप बोलोगे एक साल में 3 महीने की छुट्टी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बीमारी तो आदमी एक बार हो जाए तो महीने भर की गई आदमी की, और बीमार आदमी कितनी भी बार हो सकता है, जी हाँ, उसका कोई अंत नहीं होता है। इसलिए बताया गया कि भाई दुबई का जो लेबर लॉ है उसमें 1 साल में एक वर्कर 90 दिन तक छुट्टी ले सकता है। अब छुट्टी लेने के लिए भी एक अलग प्रोसेस है छुट्टियों का, 90 दिन की आप एक साथ भी छुट्टी ले सकते हैं। कई बार जैसे कोई ऑपरेशन करवाना पड़ा, गंभीर बीमारी हो तो लंबी छुट्टी लेनी पड़ती है, लोग 6-6 महीने बैठे रहते हैं रूमों पे, आप सबको पता ही होगा, या आप थोड़ी थोड़ी छुट्टी ले सकते हैं, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन। ये छुट्टियाँ ये नहीं है कि आप ये जो बीमारी की छुट्टियाँ बहाने से आप बैठे रहे, इसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ता है कंपनी में कि आप छुट्टी रियल में मैं बीमार था। जी हाँ, पहले अपन सैलरी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम में 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, जैसे आज आप बीमार हो गए तो 15 दिन तक बीमार हैं, 15 दिन में आप ड्यूटी चले गए कंपनी में, तो 15 दिन जो आप बेड रेस्ट किया है उसकी आपको तनख्वाह देगी कंपनी, जी हाँ ये रूल बनाया गया है। अगर मान लीजिए 15 दिन के बाद 30 दिन तक अगर आप बीमार होते हैं, 1 महीना हो गया लगभग, तो उस दौरान आपकी जितनी भी तनख्वाह है उसकी आधी तनख्वाह आपको बिना घर बैठे, आप जहाँ बैठे वहीं आपको बिना काम किए मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आप 45 दिन तक काम ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हैं, तो आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको समझ गया होगा भी छुट्टी का प्रोसेस इस तरह से आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन बता दूं इसी दौरान कंपनी में आपको बीमार हो जाते हैं तो 2 दिन के अंदर आपको सूचना देनी होगी कंपनी के अंदर, ये नहीं कि आप बीमार हैं कंपनी को पता ही नहीं और आप रेस्ट कर रहे हैं तो भाई कंपनी को कैसे पता लगेगा, आपका मालिक है, कंपनी नियुक्ता कोई भी हो, 2 दिन में आपको सूचना देनी पड़ेगी, तब आपका ये छुट्टी वगैरह सेंक्शन वगैरह आगे और भी प्रोसेस मैं बताऊंगा। और इसके लिए कंपनी को आपको सबूत देना होगा कि रियल में मैं बीमार था, चाहे आपका हॉस्पिटल का कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे कोई मेडिकल की पर्ची है या मेडिकल की कोई दवाई है, यानी सबूत पेश करना होगा कंपनी में कि रियल में मैं बीमार हूं, तब जाके आपको ये प्रोसेस आपके ऊपर लागू होगा। ये नहीं मनमर्जी आपने छुट्टी कर ली और आपके पास कोई सबूत नहीं है तो वो नहीं चलने वाला, जी हाँ। अगर कुछ कारण ऐसे भी हैं कि खुद की गलती की वजह से आप अगर गलती करते हो तो तनख्वाह नहीं मिलेगी भाई, इस बात का ध्यान रखिए, खुद की गलती की वजह से आप बीमार हो जाते हैं, आपने जैसे कोई नशा कर लिया, नशा करके बीमार हो गए, आपने कुछ गलत काम कर लिया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, फिर आपकी प्रॉब्लम हो गई, किसी का सिर फोड़ के या किसी का फुटवा से आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो तनख्वाह नहीं मिलने वाली है, नेचुरल बीमारी होती है ना उसी से रिलेटेड ये लागू होता है, जी हाँ। ट्रेनिंग के दौरान आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जी हाँ। प्रॉब्लम होने की वजह से आपको नौकरी से निकाला न जाए इसके लिए आपको ये प्रोसेस करना होगा कि भाई 3 महीने तक आप बीमार हैं, आपके पास एविडेंस कंपनी में दे दी, उसके बाद आपको कंपनी को रिपोर्ट करनी होगी। 3 महीने बाद भी अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कंपनी छुट्टी दे के आपको घर भेज सकती है, इस बात का ध्यान रखिए, जी हाँ। आपका जॉब भी खत्म, आपकी नौकरी भी खत्म हो जाएगी और आपका बोनस वगैरह जो पीछे का है, जितने भी टाइम आपने रेस्ट किया है तो वो भी आपका सब कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात बता दूं कि 45 दिन के अगर आप ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग कर रहे हैं या बीमार हैं उसी दौरान आप 45 डेज के अंदर अंदर कंपनी में इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा का मतलब समझते हैं कि भाई आप बीमार हैं, आगे काम नहीं करना चाहते हैं, कंपनी में इस्तीफा देना है, समझ गए, ट्रेनिंग के दौरान आपको इस्तीफा देना है,
तो आपको जो 45 दिन का जो समय है कंपनी को आपको तनख्वाह देनी होगी। ये नहीं कि आपने इस्तीफा दे दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 45 दिन के बाद में 45 डेज के अंदर अंदर जो आपने इस्तीफा दिया था उसकी जो सैलरी है वो आपको कंपनी के द्वारा भुगतान करना होगा। जी हाँ, तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि भाई किस तरह से अगर आप वीए में काम करते हुए बीमार हो जाते हैं तो कौन सी कैटेगरी में किस तरह से छूट मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।